हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। सो इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन, एंड इन द एंड आल्सो वी हैव डन ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट ऑन अ डीसी लोड लाइन। सो इन अवर लास्ट लेक्चर फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रांजिस्टर बायसिंग, देन वी हैव मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन। वी हैव सीन दिस डीसी लोड लाइन कॉन्सेप्ट and what is the slope of this DC load line, m is equals to minus 1 upon RC, and in the end also we have seen the point which is taken on this DC load line is known as operating point or Q point. So this operating point and Q point, it is nothing but it is denoting the point of coordinates of DC current flowing through the transistor and DC voltage of transistor, means VCEQ and ICEQ is the point of coordinate of this Q point. Also in the end we have seen, depending upon the position of Q point on a DC load line, the transistor will be operated as an amplifier if the Q point is exactly at the center on the DC load line. If this Q point is near in the region of horizontal axis, then the transistor will be acting as an open switch. And if this Q point is located near in the region of horizontal axis, then your transistor will be acting as an on switch. So till here we have completed in our last lecture. Now today we are starting a new concept, a very important concept, that is thermal runaway. Thermal runaway and how to avoid it. So this thermal runaway concept, actually this is the problem in a transistor. So that's why in the continuation part you are able to see and how to avoid it. So something, it is a problem related with transistor, that's why it is given over here how to avoid it also. So first we are going to understand what is this actually the problem in transistor, why the name is given thermal run away. So what is this concept, and this concept is very very important regarding to the study of transistor, and it is also a favorite question in the board examination. Is this question is also asked many times in board examination also. So that's why I have marked over here 3 star. So very important concept, thermal runaway. So what is this thermal runaway? Let us understand. तो हम लोग पहले ये समझना है क्या concept है ये thermal runaway का. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने यहाँ पे transistor में इतनी study की है, normal PN junction diode में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे अगर surrounding का temperature increase होगा तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो अपने सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होने की वजह से आपका जो लीकेज करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये चीज़ तो हम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि लीकेज करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या कॉज होगा, इट विल कॉज इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल कॉज इंक्रीज इन द लीकेज करंट. तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, आपके लीकेज करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉट विल बी हैपन, देर विल बी इंक्रीज इन द लीकेज करंट. तो लीकेज करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है आई सी ई ओ से करके रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये लीकेज करंट इंक्रीज होगा. अब जब लीकेज करंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो एक्चुअल कलेक्टर करंट है वो उसको इंक्रीज करेगा. व्हाई, एक्चुअल में जो कलेक्टर करंट वो क्यों इंक्रीज होगा लीकेज करंट की वजह से, तो उसका रीज़न ये है बिकॉज आपके ट्रांजिस्टर में जो टोटल कलेक्टर करंट है, द टोटल कलेक्टर करंट इज द सम ऑफ एक्चुअल करंट, कलेक्टर करंट इंजेक्टेड प्लस लीकेज करंट. तो जो आपके ट्रांजिस्टर का जो टोटल कलेक्टर करंट जो है वो एक्चुअली में सम ऑफ किसका किसका है, द कलेक्टर करंट विच इज बिकॉज ऑफ इंजेक्टेड. इंजेक्टेड मतलब जो आपका एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो पहुँच रहे हैं वहाँ पे लास्ट सेमी कंडक्टर में, तो जो कलेक्टर करंट इंजेक्टेड की वजह से प्लस लीकेज करंट, तो ये दोनों का सम करके आपका टोटल कलेक्टर करंट फॉर्म होता है. तो
तो अब इन दोनों में से जो भी चीज बढ़ेगी तो क्या कॉज करेगी, आपके कलेक्टर करंट टोटल को इंक्रीज करेगी। तो रीजन यहाँ पे यही चल रहा है, अगर लीकेज करंट आपका इंक्रीज होता है तो ये लीकेज करंट बढ़ने की वजह से आपका जो टोटल कलेक्टर करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टोटल करंट इंक्रीज होगा तो टोटल करंट इंक्रीज होने की वजह से फिर इसके बाद जो पावर डिसिपेशन है, जो पावर डिसिपेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिस्टर की बढ़ जाएगी, मतलब पावर बढ़ेगा। इन शॉर्ट में क्या बढ़ेगा, पावर बनेगा। तो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी जो ट्रांजिस्टर की है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ना, हीट होना, हीट होगा और ज़्यादा गर्म होगा तो वो क्या होगा, फिर फर्दर क्या इंक्रीज करेगा, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। अब इसी तरीके से भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर फर्दर लीकेज करंट इंक्रीज होगा, फर्दर लीकेज करंट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है, टोटल कलेक्टर करंट IC टोटल वो इंक्रीज होगा, IC टोटल इंक्रीज होगा तो पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर विल इंक्रीज, पावर डिसिपेशन इंक्रीज यानी हीट, हीट होगा, हीट ऑब्जर्व होगी, हीट ऑब्जर्व होने की वजह से फिर टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो थर्मल रनअवे जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका कैसा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट कैसा कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक पहले तो आपको कोई भी कॉज की वजह से टेम्परेचर में अगर इंक्रीज होता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज क्या कॉज करेगा, आपके लीकेज करंट को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। लीकेज करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टोटल कलेक्टर करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर विल इंक्रीज, और टोटल कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर विल इंक्रीज विच विल रिजल्ट इन हीट ऑफ दिस टेम्परेचर, हीट ऑफ द ट्रांजिस्टर, और टेम्परेचर अपना हीट होने की वजह से टेम्परेचर फिर से क्या होगा, फर्दर इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस कैसा होता जाएगा, ये कंटिन्यूसली ये साइकिल आपका चलते जाएगा, और ये कंटिन्यूसली साइकिल इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज़्यादा आपका हीट होता जाएगा ट्रांजिस्टर, एक फाइनल स्टेज ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर विल पॉइंट आउट, ट्रांजिस्टर जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ हीट, हीट होने की वजह से आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए तो आप देखो, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है तो उनको बराबर कूल करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वो कंटिन्यूस ऑपरेशन की वजह से क्या होती है, वो पावर डिसिपेशन होने की वजह से पावर प्रॉपरली डिसिपेट नहीं हो पाता है सराउंडिंग में, तो उसकी वजह से वो खुद क्या होती है, हीट होती है, और वो हीट होने की वजह से फिर से उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनका जो जिस तरीके से वर्क करने का जो ऑपरेशन है उसमें चेंजेस आता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, और फाइनली फिर वो ख़राब हो जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उनका ये सब चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जितना कंटिन्यूस ऑपरेशन होगा तो आपको पता है कंटिन्यूस ऑपरेशन होने की वजह से वो हीट भी होता है। आपका एक एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल ले लो, आपका मोबाइल का ले लो, आप मोबाइल को कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहते हो, कंटिन्यूसली यूज़ हो करते रहते हो, तो कंटिन्यूसली यूज़ करने की वजह से मोबाइल क्या होता है, आपका हीट होता है। तो ये अंदर क्या है, सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, वो क्या हो गया, कंटिन्यूसली ऑपरेशन होने की वजह से क्या होगा, वो पावर को डिसिपेशन, उनका पावर डिसिपेशन इंक्रीज होगा, पावर डिसिपेशन इंक्रीज होगा यानी सराउंडिंग में प्रॉपर तरीके से पावर को डिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो इंटरनली फिर वो हीट करेंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब कॉज है ये आपका। तो इसी तरीके से ट्रांजिस्टर का भी एक ये कंटिन्यूस साइकिल आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे। बिकॉज ये किसकी वजह से हो रहा है, थर्मल रन अवे ये किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर विल क्या होगा, विल डैमेज, विल रिजल्ट इन डैमेज, विल रिजल्ट इन बर्न आउट। तो ये पूरा कंटिन्यूसली प्रोसेस है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस। तो पहले स्टार्टिंग यहाँ से वही क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, फिर क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है सराउंडिंग का तो क्या कॉज करेगा, लीकेज करंट को इंक्रीज को कॉज करेगा। लीकेज करंट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब टोटल करंट जो है कलेक्टर करंट वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट पावर, आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट जो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, पावर को इंक्रीज करेगा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। तो अगर कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, पावर को इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज होने की वजह से हीट होगी आपकी, कंपोनेंट आपका क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने की वजह से फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता रहा तो एक लास्ट स्टेज ऐसा आएगा कि आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ को क्या करना है हम लोग को, ये चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है ना, अगर टेम्परेचर की वजह से
लीकेज करंट इंक्रीज होता है, तो कुछ ऐसा फंक्शन करना पड़ेगा जिससे वो उसका टेम्परेचर हीट ना हो, या पावर जो है वो प्रॉपर सही तरीके से डिसिपेट हो, ना किसी वो कंपोनेंट में डिसिपेट हो, वो आउटसाइड सराउंडिंग में डिसिपेट हो। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर वो पावर आ रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है, तो पावर जो है वो उसका डिसिपेट कहाँ पे होना चाहिए, सराउंडिंग में होना चाहिए, ना कि वो कंपोनेंट में होना चाहिए। कंपोनेंट में होगा तो कंपोनेंट क्या होगा, इटसेल्फ हीट होगा, गर्म होगा, फिर वो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये चीज़ को इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूशन पार्ट में लिखा हुआ है, हाउ टू अवॉइड इट। तो ये कैसे हम लोग इसको रुकाएं, कैसे हम लोग इस चीज़ से बचाएं, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से हीट सिंक वगैरह यूज़ करना पड़ता है। हीट सिंक आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग अच्छी तरीके से अगर इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो, तो कितने डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एल्यूमिनियम का वो शीट आपको नज़र आती होगी। तो वो एल्यूमिनियम की शीट किस वजह से लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं कि अगर वो जो पावर है वो पावर प्रॉपर तरीके से सराउंडिंग में डिसिपेट हो, ना कि वो कंपोनेंट में हो रहे, वो कंपोनेंट इटसेल्फ वो पावर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर वो खुद को पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट होगा, तो हम लोग उसके पावर को क्या कराना चाहते हैं, सराउंडिंग में डिसिपेट कराना चाहते हैं। तो वो कंपोनेंट के ऊपर आपको वो एल्यूमिनियम टाइप की जो शीट नज़र आती है, तो वो कॉज बनता है आपके पावर को सराउंडिंग में डिसिपेट कराने के लिए। उस चीज को बोलते हैं हीट सिंक, उसको क्या बोलते हैं हीट सिंक, जो हीट को क्या करे, अब्जॉर्ब करे, हीट सिंक जो पावर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग में भेजता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा जितने भी पावर डिवाइसेस हैं, तो पावर डिवाइसेस को प्रिकॉशनरी क्या लगाना पड़ता है, हीट सिंक्स लगाना पड़ता है। वो हीट सिंक फिर क्या करते हैं, आपके जितने भी डिवाइसेस के पावर को डिसिपेट करते हैं सराउंडिंग में, या वो खुद से अब्जॉर्ब करते हैं। जो एल्यूमिनियम की शीट ले लो, आपको एल्यूमिनियम टाइप का शीट दिखेगा, थर्ड टाइप का दिखेगा, जो कंपोनेंट यूज होता है, जो पावर डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो क्या है लिखा हुआ, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पॉइंट वाइज क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी रीजन इन द सराउंडिंग टेम्परेचर अक्रॉस द ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस। अगर यहाँ पे सबसे पहले वही दिया हुआ है कि कुछ भी रीजन की वजह से अगर सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में, तो डेट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर्स। तो वो क्या कॉज बनेगा, आपके माइनॉरिटी कैरियर्स को इंक्रीज करेगा, एंड दिस विल गिव राइज टू लीकेज करंट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हुए, तो वो क्या कॉज बनेंगे, दिस विल गिव राइज टू इंक्रीज इन लीकेज करंट। तो लीकेज करंट बढ़ेगा। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है, इफ लीकेज करंट इंक्रीजेस द कलेक्टर करंट IC विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर लीकेज करंट इंक्रीज होता है तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और कलेक्टर करंट का टोटल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल कलेक्टर करंट। सो टोटल कलेक्टर करंट इज द कलेक्टर करंट ऑफ इंजेक्टेड प्लस लीकेज करंट ICEO। तो लीकेज करंट को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, कलेक्टर करंट का जो लीकेज करंट है उसको यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कौन से टर्म से, ICEO। ICEO वाई ICEO कलेक्टर टू इमीटर का लीकेज करंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसको इस चीज़ से डिनोट करते हैं, ICEO से डिनोट करते हैं। तो जो टोटल कलेक्टर करंट है, इट इज़ द सम ऑफ एक्चुअल कलेक्टर करंट बिकॉज ऑफ इंजेक्टेड इंजेक्टेड कलेक्टर करंट प्लस लीकेज करंट। तो अगर लीकेज करंट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपका टोटल कलेक्टर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस तो पावर डिसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर ये कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, आउटपुट पावर है ये, तो आउटपुट पावर इंक्रीज होगा तो सॉरी आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट इंक्रीज होगा तो इट विल कॉज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, बिकॉज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। दिस विल कॉज इंक्रीज इन द पावर ऑफ द ट्रांजिस्टर, और ये पावर अगर बढ़ा तो फिर से फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर विल बर्न आउट। तो एक टाइम इस तरीके से ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी, साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, टेम्परेचर वापस से इंक्रीज होगा, लीकेज करंट फिर इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट फिर इंक्रीज होगा, पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर फिर इंक्रीज होगा, फिर उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक टाइम पे फिर ऐसा आएगा कि आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, बंट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। व्हाट इज द प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, उसको किस तरीके से अवॉइड करें, ये चीज़ को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि वापस से दोबारा टेम्परेचर ना बढ़े। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर हीट सिंक यूज़ करना पड़ेगा। वी कैन यूज़ हीट सिंक
टू डिसिपेट द पावर इन द सराउंडिंग। तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, हीट सिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका जो पावर है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो, सराउंडिंग में, ना कि वो ट्रांजिस्टर में डिसिपेट हो। अगर वो ट्रांजिस्टर में डिसिपेट हो रहा तो वो ट्रांजिस्टर को हीट कर देगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो वी कैन यूज हीट सिंक, हम लोग को हीट सिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हीट सिंक क्या होता है, जैसे कि वो शीट आपको एल्यूमिनियम शीट वो कंपोनेंट में जो बना के ऊपर से टॉप पे जो मेंटेन करते हैं लगाते हैं आप लोग, अगर मदरबोर्ड आकर ओपन करोगे देखोगे तो मदरबोर्ड पे भी आपको देखो वो माइक्रो प्रोसेसर जा रहता है, वहाँ पे एक फैन भी रहता है छोटा, वो छोटा है फैन किस तरह यूज होता है ताकि वो उसको कूल करे, बराबर टेम्परेचर को उसको डाउन रखे। तो ये सब चीज़ स्टेप लेना पड़ता है हम लोग को इन ऑर्डर टू डिसिपेट द पावर प्रॉपरली, पावर उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कूल करने के लिए। तो ये सब चीज़ यूज होती है। तो हीट सिंक इज यूज टू डिसिपेट द पावर इन द सराउंडिंग। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कलेक्टर करंट और क्यू पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड विद इन द रेंज। तो दूसरा एक ये चीज़ दी हुई है कि कलेक्टर करंट जो है वो प्रॉपर रेंज में सिलेक्ट होना चाहिए या क्यू पॉइंट को प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए विद इन द रेंज, क्योंकि अगर क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है फिर आपके उसमें चेंजेस में बिहेवियर में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, कलेक्टर करंट में क्या आएगा, चेंजेस आएगा बिकॉज ऑफ द पोजिशन। अगर ये क्यू पॉइंट बराबर लोकेट नहीं होगा डीसी लोड लाइन में, अगर आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई के जैसा यूज करें तो एग्जैक्टली एट द सेंटर ही रहना चाहिए। अगर क्यू पॉइंट की पोजिशन चेंज होती है, शिफ्ट होती है, तो जाहिर सी बात है कलेक्टर करंट विल चेंज, कलेक्टर करेंगे, क्योंकि क्यू पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वीसी वर्सेस आईसी, वीसी और आईसी। तो अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में विद इन नॉर्मल रेंज में है तो ओके है, प्रॉपर है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये शिफ्ट हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो कलेक्टर करंट क्या हो रहा है आपका, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये कलेक्टर करंट ही वेरी होने की वजह से क्या होगा, फिर वही सब कॉजेस होगा, चेंजेस होगा, फिर वो पावर बढ़ेगा, पावर डिसिपेशन का फिर चीज़ें बढ़ेगी। तो इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों में क्या बोल रहा था मैं? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करो जरा। यस सर। दिस थर्मल रन अवे थिंग इज क्लियर, व्हाट इज दिस थर्मल रन अवे? तो ये थर्मल नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से थर्मल रन अवे। तो इसकी वजह से रन अवे मतलब ये हमारा टेम्परेचर क्या कॉज करेगा, हमारे ट्रांजिस्टर को बंट आउट कर देगा। तो दैट्स वाई द नेम इज गिवन थर्मल रन अवे। तो थर्मल रन अवे इज एक्चुअली व्हाट अ प्रॉब्लम इन ट्रांजिस्टर, जो क्या प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर हीट होने की वजह से, बर्निंग की वजह से हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो सकता है, जल सकता है, बंट आउट हो सकता है। तो उसको प्रिकॉशनरी अवॉइड कैसे किया जाए, हम लोग को दो तरीके, एक प्रॉपर हीट सिंक यूज करना चाहिए ताकि पावर डिसिपेट हो सराउंडिंग में, दूसरा कलेक्टर करंट की वैल्यू और क्यू पॉइंट की वैल्यू शुड बी विद इन अ डिजायर्ड रेंज होना चाहिए। डिजायर्ड रेंज में रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जैसे अगर ये कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है, तो फिर वो कॉज बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने का कॉज बनेगा। तो ये चीज़ है, हम लोग को ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो डिजायर्ड रेंज में होना चाहिए, डिजायर्ड रिक्वायर्ड रेंज में होना चाहिए, अननेसेसरी इंक्रीज वाली रेंज में नहीं जाना चाहिए। आई होप यू मस्ट बी हैव क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रन अवे। नाउ मूविंग अहेड, द कॉन्सेप्ट इट इज गिवन स्टेबिलिटी फैक्टर एस, एक डेफिनेशन है स्टेबिलिटी फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं एस से। तो क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट। तो ये जो क्यू पॉइंट है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये चीज़ इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर जो आई है ना वो बिकॉज ऑफ क्यू पॉइंट की वजह से ही आई है। ये क्यू पॉइंट हमेशा ना क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ रहना चाहिए कॉन्स्टेंट। कहाँ पे, अगर इसकी पोजिशन आपने एग्जैक्टली सेंटर पर लोकेट कर दियो तो वो उसकी जगह वहाँ पर फिक्स होना चाहिए, उसको वहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। अगर ये अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करता है, ये अपनी पोजिशन को चेंज करता है, तो डेफिनेटली फिर आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। अब कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है फिर आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ट्रांजिस्टर क्या होगा, लास्ट में खराब होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर क्यू पॉइंट स्टेबल, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना। या आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो,
एक दूसरे सिंपल टर्म में बोल सकते हो कि आपके कलेक्टर करंट को कांस्टेंट रखना, कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस स्टेबिलिटी फैक्टर, ये क्या फैक्टर है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये डिफाइंड होता है रेशियो किसका किसका, रेशियो चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट जिसको डिनोट किया गया किससे, डेल्टा आई सी। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट इज चेंज ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट। तो हमारे लीकेज करंट की वजह से कितना कलेक्टर करंट में चेंज आया, उस फैक्टर को मेजर करने का नाम क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कोई मुझे बताएगा, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, हु विल टेल मी। ये रेशियो को देखते हुए कौन मुझे बताएगा कि कलेक्टर करंट चेंज ज्यादा होना चाहिए चेंजिंग इमीडिएट अपना रिवर्स सेचुरेशन करंट से, कि कम होना चाहिए। दिस फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, हु विल टेल मी, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, प्लीज टेल मी। ज्यादा ज्यादा यानी चेंज इन कलेक्टर करंट ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ चेंज इन रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसका मतलब ये होता है। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऊपर का रेशियो का वैल्यू ज्यादा रहेगा, अगर ऊपर का रेशियो का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट। तो ऑलवेज स्टेबिलिटी फैक्टर मस्ट बी लो, ये स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब स्टेबल ज्यादा होना चाहिए, इसका इफेक्ट कम होना चाहिए, स्टेबल ज्यादा रहना चाहिए। ये जो चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट की वजह से कलेक्टर करंट में चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आपका स्टेबिलिटी फैक्टर, आपकी वैल्यू जो आपने बताया वो बराबर है। स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, स्टेबल हमेशा अच्छा होना चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर यानी स्टेबल होने की फैक्टर को बता रही है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन ये चीज को आप लोग ध्यान में रखो, ये चीज को आप लोग कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड करो। ये तो एक सिंपल सा रेशियो है जो क्या बता रहे हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट। तो ये चीज हमेशा क्या होना चाहिए, अगर चेंज इन लीकेज करंट हो रहा है तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट में ज्यादा चेंज ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट में ज्यादा कलेक्टर करंट में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा और फिर वो कॉज बनेगा हमारे वापस से हीट को, हीट होने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या है, वो क्या समझाता है कि हाउ मच इज योर ट्रांजिस्टर इज स्टेबल। हाउ मच इज योर ट्रांजिस्टर स्टेबल का मतलब क्या, कि आपका कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ अननेसेसरी चेंज इन लीकेज करंट। तो ज्यादा लीकेज करंट चेंज होने की वजह से आपका कलेक्टर करंट जो है टोटल कलेक्टर करंट वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज हो रहा है तो मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है मतलब क्या कि फिर वो वापस से क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा और फिर कॉज करेगा आपके हीट होने का कॉज बनेगा। तो ये सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ना, स्टेबिलिटी फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग एक बाइजिंग टेक्निक्स है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर का, तो ये लास्ट टॉपिक आपका क्या होगा ट्रांजिस्टर का, टाइप्स ऑफ बाइजिंग टेक्निक्स। तो अलग अलग बाइजिंग टेक्निक्स है जो क्या करती है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम ये होता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर को मेंटेन करने का काम होता है यानी कलेक्टर करंट को मेंटेन हो करने का काम होता है। तो दिस ऑल आर द बाइजिंग टेक्निक्स, जो अलग अलग बाइजिंग टेक्निक्स है यानी आपके ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप बाइजिंग दे सकते हो, तो वो अलग अलग तरीके की बाइजिंग सर्किट्स है जिनका कॉज क्या होता है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम ये होता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए ये अलग अलग तरीके की बाइजिंग टेक्निक्स यूज होती है, जिसको हम लोग को आगे के लेक्चर में देखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो कौन सी टाइप्स ऑफ बाइजिंग टेक्निक्स है, एक आपके पास फिक्स बाइज्ड है, दूसरी फिक्स बाइज विद इमीटर फीडबैक है, एंड थर्ड वन इज वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग टेक्निक। तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल वन बाय वन बाइजिंग टेक्निक्स, उनका सर्किट डायग्राम देखेंगे, उनका वर्किंग देखेंगे और किस तरीके से वो कॉज बनती है कि अगर कुछ टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ कॉज होता है तो भी वो अपने कलेक्टर करंट को बढ़ाएगी नहीं, चेंज नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। बात समझ में आएगी ना, अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था,
अगर आपका कुछ भी कॉज होता है, कुछ भी कॉज होने की वजह से अगर आपका लीकेज करंट बढ़ता है, तो वो लीकेज करंट आपके कलेक्टर करंट को नहीं चेंज करना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस चीज़ को बोलते हैं स्टेबिलिटी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। तो स्टेबल किसको करना है, स्टेबल किसको रखना है, कॉन्स्टेंट किसको रखना है? आपके कलेक्टर करंट को। कलेक्टर करंट मस्ट नॉट बी चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन लीकेज करंट। तो ये चीज किस तरीके से ऑब्जर्व होगी, कैसे हो सकती है, क्या है, क्या टाइप्स की बाइजिंग टेक्निक्स है, ये सारी बाइजिंग टेक्निक्स है जो आगे चल के हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? तो इन अवर टूडेज लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे ऑफ ट्रांजिस्टर। तो मैंने आज के लेक्चर में, मैंने आज शॉर्ट लेक्चर दिया, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दिया, इन ऑर्डर टू गिव दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ताकि मैं ये तीनों टाइप्स को अच्छे तरीके से अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझा सकूँ, बता सकूँ। तो इसके लिए मैं आज का लेक्चर अपना थोड़ा ये शॉर्ट रख रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझाया हूँ अच्छी तरीके से। वो कौन सी चीज़ समझाया हूँ? थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑब्जर्व इन अ ट्रांजिस्टर। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कि वो क्या कॉज करेगा? आपके लीकेज करंट को कॉज करेगा बढ़ने के लिए। लीकेज करंट बढ़ा तो आपका टोटल कलेक्टर करंट बढ़ेगा, टोटल कलेक्टर करंट बढ़ा तो उसका पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ेगा, और पावर डिसिपेशन बढ़ा तो फिर से वापस से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो दिस इज द कंटिन्यूस साइकिल। तो ये कंटिन्यूस साइकिल अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपका क्या होगा? ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? बंट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको रोकने का कैसे है? कैसे अवॉइड करने का? इसको रोकने का है कि आप इसके लिए या तो अगर आप फिजिकल यूज़ कर रहे हो तो फिजिकली आप प्रॉपर हीट सिंक का इस्तेमाल करो जो उसके पावर को सराउंडिंग में डिसिपेट करे, या नहीं तो आप कलेक्टर करंट की वैल्यू ऐसा रखो जो प्रॉपर डिजायर्ड रेंज में रहे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशियंट है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ बाइजिंग टेक्निक, एंड होपफुली आज का आपको ये टॉपिक जो थर्मल रनअवे का है वो शायद समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी थिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड प्रॉपरली, कमेंट मी, मैसेज मी, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वंस मोर। सो टिल द टाइम प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।